सिस्ट के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है। एक यंग पेशेंट में हर महीने अंडा फूटता है, कई बार वो अंडा फूट नहीं पाता। हेमरेजिक सिस्ट जो होती है उसमें पानी की जगह ब्लड भरा हुआ होता है। पूनम मगो, आपका इंडियन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है। ओवेरियन सिस्ट बहुत बार आपके अल्ट्रासाउंड में आता है, सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा, डर्मॉइड सिस्ट या कैंसर सिस्ट। तो चलिए आइए डिटेल में इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सिस्ट होता है उसको समझने के लिए जैसे पानी का बुलबुला होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, उसी तरह पानी का फल्ड एक बलून या छोटा बुलबुला होता है जिसको कि हम सिस्ट कहते हैं। तो क्या है इस बुलबुले के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट किस चीज की है। अगर उसके अंदर पानी जैसा लिक्विड भरा है तो उसे बोलते हैं सिंपल सिस्ट। अगर उसके अंदर ब्लड भरा है तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। अगर ये ब्लड काफी टाइम से इसमें कलेक्ट हो रहा है तो ये एक फॉर्म है एंडोमेट्रियोमा का, उसके अंदर भी ब्लड होता है, बट हेमरेजिक सिस्ट यूजली फ्रेश होता है, एंडोमेट्रियल सिस्ट जो होता है वो पुराना होता है। डर्मॉइड सिस्ट, ये इन सबसे थोड़ा सा अलग है। डर्मॉइड सिस्ट के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि लिक्विड भी होता है, बोन्स भी हो सकती हैं, छोटे छोटे पार्ट टीथ भी हो सकते हैं, बाल भी हो सकते हैं। तो और थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का जो है उसके अंदर फ्लूइड होता है, थोड़ा सा दूसरों से अलग होता है। और इसके अलावा होती है कैंसरस सिस्ट या कैंसर की गांठ, जो कि बहुत रेयर होती है, उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक यंग पेशेंट में हर महीने अंडा फूटता है, कई बार वो अंडा फूट नहीं पाता और उसके अंदर लिक्विड भर जाता है जिसको कि हम सिंपल सिस्ट कहते हैं। आपके अल्ट्रासाउंड में अधिकतर केसेस में सिंपल सिस्ट ही लिखा हुआ आता है। अगर ये सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये अपने आप टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा यानी दब जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा चीज आता है हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट जो होती है उसमें पानी की जगह ब्लड भरा हुआ होता है, और ये भी यूजुअली अपने आप रिजॉल्व हो जाता है विद इन द टाइम ऑफ 2-3 मंथ्स। अगर इसका साइज भी 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो भी सिंपल सिस्ट होती है उनके अलावा जितनी भी सिस्ट है, चाहे वो हेमरेजिक है, चाहे एंडोमेट्रियोमा है, डर्मॉइड है, कैंसरस है, वो सारी सिस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट की कैटेगरी में आती है। तो हमने डिस्कस दो सिस्ट कर ली है, अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोमा का। एंडोमेट्रियोमा कुछ पेशेंट्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अमूमन टीनेजर जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद 45 ईयर्स तक ये कंडीशंस देखने को मिलती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्लड एक सिस्ट के अंदर जमा होता रहता है। ये सिस्ट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कई सारी भी हो सकती है, और विद टाइम ये ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है। ये सिस्ट आपकी आपको पेन कर सकती है, आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ हैम्पर कर सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो एंडोमेट्रियोमा अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आया है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है, पर जरूरी नहीं कि ये सबको हो। बहुत सारे पेशेंट एंडोमेट्रियोमा के साथ अपने आप भी कंसीव कर जाते हैं और उन्हें कोई पेन भी नहीं होता है। तो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप पीवी चाहते हैं या पेन रिलीफ चाहते हैं, अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डर्मॉइड सिस्ट की। डर्मॉइड सिस्ट को हमेशा सर्जरी के थ्रू निकालना रहता है, क्योंकि डर्मॉइड सिस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसमें ट्विस्ट होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक अगर आपके अल्ट्रासाउंड में डर्मॉइड सिस्ट आया है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा होती है कैंसर की गांठें। कैंसर की गांठें जो होती हैं वो तकरीबन लेट एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत रेयर होता है कि वो यंग एज में देखने को मिले। लेकिन अगर कहीं से भी कोई कैंसर का डाउट आया है या किसी ने अल्ट्रासाउंड में कुछ एक्स्ट्रा फाइंडिंग दी है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके
मिलने की जरूरत है। बट कैंसर की गांठ बहुत रेयर होती है, 99% जो गांठें होती हैं जो हमने डिस्कस किया है उसी कैटेगरी में आती है। अगर कोई गांठ 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसे दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपी के थ्रू निकाला जाता है। ना आई होप मैं इसका वीडियो जल्दी ही पोस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको निकालते हैं। इसमें पेट पे चीरा नहीं आता, सिर्फ दूरबीन जाने के लिए 3 होल होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ता। सुबह हम प्रोसीजर करते हैं, शाम को या नेक्स्ट मॉर्निंग हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और कोई ज़्यादा इसमें पेन नहीं होता। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी फास्ट होती है और अगर 5 सेंटीमीटर से कम साइज है तो उसको अपने आप डिसॉल्व होने का टाइम देना चाहिए। एंडोमेट्रियोमा और डर्मोइड का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। डर्मोइड को हमेशा लैप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी के थ्रू निकालना रहता है और जो एंडोमेट्रियोमा है वो डिपेंड करता है आपको सिम्टम्स क्या है। तो आई होप मैंने काफ़ी सारी क्वेरीज आपके सॉल्व करी होंगी। जो भी ओवेरियन सेल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज माइंड में रही होंगी, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।